पहली तस्वीर, लाल जोड़ा लाल चूड़ी। दूसरी तस्वीर, हाथों में बकायदा सजनिया का हार। सूट बूट में दूल्हे साहब अपनी दुल्हनिया का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। शादी की खुशियां दोनों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, लेकिन किसे पता था ये मुस्कान चंद दिनों की थी। एक और तस्वीर में दूल्हा और दुल्हन बकायदा पोज देते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में बीवी अपने पति के कंधे पर हाथ रख हंसते दिखाई दे रही है। ये तो कहानी की शुरुआत थी, अभी क्लाइमेक्स आना बाकी था। तस्वीरों में देख आपको लगेगा कि दुल्हन कितनी सीधी और सरल है, लेकिन इनकी सच्चाई जान आपको 440 वोल्ट का झटका जरूर लगेगा। यूपी के बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आम तौर पर एक महिला अपने ससुराल वालों के खिलाफ होती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा था। अभी तक आपने महिलाओं के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन यहाँ तो ससुराल वालों ने पुलिस से बहू और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत की है। आरोप है कि फोटो में दिख रही महिला ससुराल वालों को चकमा देकर लाखों के जेवर लेकर मायके चली आई, और तो और मायके आने के बाद उसने ससुराल वालों को बगैर बताए दूसरी शादी भी रचा ली। जब ससुराल वालों को जानकारी हुई तो उनके होश फाख्ता हो गए और ससुराल वाले फौरन पुलिस के पास पहुंच गए। मामला कमासिन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां चित्रकूट जिले के मानिकपुर के रहने वाले श्याम ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने बेटे की शादी 12 मई साल 2019 को सानी गांव में एक युवती से की थी। शादी में दुल्हन को बकायदा 3.5 लाख के जेवर भी दिए गए थे। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद उनकी बहू जेवर लेकर मायके चली गई। इसके बाद बहू को लेने गए तो कुछ दिन बाद आने को कहकर बहू ने टाल दिया, लेकिन इसी बीच उनकी बहू की शादी ससुराल वालों को बगैर बताए बबेरू इलाके में एक युवक से करा दी गई थी। हालांकि 25 नवंबर साल 2022 को लड़की के ससुराल वालों को शादी की जानकारी हुई, जिसके बाद ये लोग वहां पहुंच गए, लेकिन लड़की आने को नहीं राजी हुई। इसके बाद 15 जुलाई साल 2023 को पीड़ित व्यक्ति गांव जाकर जेवर की मांग करने पहुंचा तो उन्होंने गालियां शुरू कर दी। फर्जी मुकदमे में फंसाने के साथ साथ जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति अपने घर न जाकर सीधे थाना में शिकायत करने पहुंचा, जहां मौजूद पुलिस अधिकारी से पूरे मामले की शिकायत की और कार्यवाही की मांग की। पीड़ित ने यह भी बताया कि महिला ने कोर्ट में तलाक का मामला भी दायर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने महिला सहित उसके परिवार, शादी करने वाले युवक समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।